पर जितने हमारे अतिथि साथी हैं, जनप्रतिनिधि साथी हैं और जितने खिलाड़ी हैं हमारे और जितने खेल प्रेमी साथी हैं, सबको मैं आज के इस खेल के शांतिपूर्ण समापन के अवसर पर फिर से मैं एक बार आप लोगों को बधाई देता हूं और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज खेल भावना की जीत हुई है। खेल भावना कोई जीता हारा नहीं है, बल्कि खेल की जो भावना है उसकी जीत हुई है। दोनों टीमों ने जान की बाजी लगा करके जीत को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए खेल भावना के तहत खेला और हम समझते हैं कि किसी की जीत हुई है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है और किसी को बहुत ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले सभी हम एक ही समाज के लोग हैं। इसलिए ये भावना जीते और भविष्य में हम लोग इस तरह के खेलों को और ऊपर ले जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें मेरा भरपूर सहयोग रहेगा, साथ ही उपेंद्र जी के साथ, साथ ही विजय जी के साथ, धनंजय जी हैं और आपको राजेश्वर जी हैं, उपेंद्र पाल जी हैं, त्यागी जी हैं, लल्लू जी हैं, सब लोगों को हम ये भरोसा दिलाते हैं और आपके एंकर भी हैं, क्या नाम है साथी, बबलू जी। ये बहुत शानदार गौरवशाली पल है मेरे लिए, मेरे निजी जीवन का, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और जो खिलाड़ी साथी हैं, मैं समझता हूं कि खेल के साथ साथ पढ़ाई हो, आप पढ़ाई के लिए अपने समाज के, अपने घर परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को उत्साहित कीजिए और उसमें जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा, अगर साधन नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। मेरा आप नंबर लिख सकते हैं, जितने खिलाड़ी साथी अभिभावक पढ़ाई के लिए, खेल के लिए और किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब आप जरूरत महसूस कीजिएगा, 12 बजे रात को भी मेरा मोबाइल खुला रहेगा, मैं उठाऊंगा। 94 31 94 32 92 92 952 92 952 और एक नंबर है 72 72 99 73 54। ये मेरा नंबर है और मैं खास करके मनीष जी को, जो मुफस्सिल थाना से चल करके आए, शुरू से अंत तक यहाँ रहे और यहाँ शांति व्यवस्था की स्थिति को देखते रहे और ये इनके साथ साथ इस गांव के सभी साथी भी इस चीज को देखे, और मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक पल है और इस पल के लिए मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद।